चल। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल। आई डिस्कस अबाउट द बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग इन माय लास्ट लेक्चर एंड टुडे आई एम डिस्कस अबाउट द जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस। ओके, द जर्नल जर्नल बेसिकली ड्राइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड जोर विच मीन्स डे। जर्नल इज अ फर्स्ट बुक इन विच अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। बेसिकली इट इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल इज अ बुक इन विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब एक तरतीब से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। दिस इज अ फर्स्ट बुक इन विच अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। जब भी अकाउंटिंग में कोई भी इवेंट अक्कर होता है, कोई भी फर्स्ट ट्रांजेक्शन होती है, तो उससे सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें ट्रांजेक्शन को एक ऑर्डर में, सीक्वेंस में, मतलब क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है, वैसे हम रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल की टू टाइप्स हैं, टू टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ जर्नल। फर्स्ट है जर्नल जर्नल और सेकेंड है स्पेशल जर्नल। जर्नल जर्नल बेसिकली दिस इज अ मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ जर्नल विच मेनली यूज इन अकाउंटिंग। जनरल जनरल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और ये बेसिक टाइप का बहुत इजीएस्ट वे है अकाउंटिंग में ना, अकाउंटिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए। सेकंड है स्पेशल जनरल। स्पेशल जनरल में क्या होता है, इसमें कैश रिकॉर्डिंग होती है, क्रेडिट रिकॉर्डिंग होती है, परचेज रिटर्न होती है, मतलब हमने कोई चीज़ परचेज किया और डिफेक्टिव हो गई है या कोई रीज़न है तो हमने उसको रिटर्न कर दिया, तो उसे कहते हैं परचेज रिटर्न। और वो परचेज रिटर्न होता है, इसके अलावा सेल्स रिटर्न होता है, मतलब हम सेलर हैं, हमने कोई चीज़ सेल की है किसी को, डिफेक्टिव थी, आउट ऑफ ऑर्डर थी, आउट ऑफ क्वालिटी थी और क्वांटिटी थी, ठीक है, तो वो रिटर्न जब हमारे पास आती है तो उसे हम सेल रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ये है जर्नल की क्लासिफिकेशन। ठीक, जर्नल अब हम जो डिस्कस करेंगे वो है जर्नल जर्नल, क्योंकि हमने बेसिक से स्टार्ट करना है तो बेसिक जर्नल जर्नल है, तो अब हम फर्स्ट इसे डिस्कस करेंगे कि जर्नल जर्नल होता क्या है। ठीक, अब हम डिस्कस करेंगे जर्नलिज्म। बेसिकली एक प्रोसेस है ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस। जर्नलिज्म दिस इज अ प्रोसेस इन विच अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डिंग इन क्रोनोलॉजिकल मैनर। जर्नलिज्म इसी को कहते हैं कि हमने ट्रांजेक्शन अक्कर हुई, हमने इसको रिकॉर्ड किया, तो ये हो गया जर्नलिज्म। ये एक प्रोसेस है, मतलब हमने कोई चीज़ परचेज की, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहती हूँ वी परचेज goods from Aslam for ₹20,000। ये एक ट्रांजेक्शन है, ठीक है, अकाउंटिंग में ये एक ट्रांजेक्शन है, इसको जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो इसको कहते हैं जर्नलिज्म। रिकॉर्ड किसमें करते हैं, जर्नल में हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब जर्नल की मैं आपको टाइप बता देती हूँ, जो जर्नल जर्नल है हमने उसको कैसे प्रोसेस करना है और उसका प्रोसीजर क्या है। ठीक है, उसका स्केच कैसे बनता है, अकाउंटिंग में हर चीज़ का एक स्केच होता है, उसी में एक फॉर्मेट होता है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने क्वेश्चन करने होते हैं। अब जो जर्नल जर्नल है, ये मैंने आपको बताया ईजीएस्ट वे है और इसी से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, बेसिकली यही यहीं से स्टार्ट होती है बेसिकली। ठीक है, इसमें सबसे पहले इसका फॉर्मेट है, डेट आती है, इसके बाद इसमें पर्टिकुलर्स होते हैं, इसके लास्ट फोलियो होता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ये एक जनरल का फॉर्मेट है बेस। अब हमने लिखा है वी परचेज गुड्स फ्रॉम असलम फॉर ₹20,000। अब हमने कैश पे, ऑन कैश लिख लेते हैं यहाँ कि हमने कैश पे कैश दिया है किसको, असलम को, हमने क्या खरीदा है, गुड्स हमने परचेज किए हैं, कोई भी चीज़ हमने परचेज की, या हमने 1/6/2020 फॉर एग्जांपल हमने इस डेट पर ट्रांजेक्शन की,
यहाँ हम लिखेंगे डेट, जिस डेट को ट्रांजेक्शन हुई है। डेट के बारे में इसको लिखते हैं, पर्टिकुलर में हम क्या लिखते हैं, नेम ऑफ हेड सेल। ठीक है, हमने क्या किया, गुड्स खरीदी है, क्या दिया, कैश दिया। अब हमने यहाँ लिखना है परचेज, मतलब हमने कोई चीज परचेज की है, परचेजेस हमारे पास आई है, दिया क्या है, कैश। कैश को हम लेफ्ट साइड में थोड़ा सा नीचे करके लिख देंगे। ठीक, इसमें ये होता है रिकॉर्ड, वो रजिस्टर जहाँ हम जनरल में एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ वो लिखा जाता है। अब डेबिट क्या हुआ है, हमारे पास 20,000 की गुड्स आई है। क्रेडिट क्या हुआ है, कैश 20,000 का। अब यहाँ हम इसकी नरेशन देते हैं, परचेज गुड्स ऑन कैश। तो ये कंप्लीट एंट्री हो गई जनरल में, इसको ऐसे रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, बेसिक अकाउंटिंग की यही से स्टार्ट होती है, ये है जनरल। तो ये जो हमने इसको ट्रांसफर किया है ना, इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं जर्नलिज्म। इसके बाद आता है लेजर। लेजर, लेजर में क्या होता है, जब हम एंट्री जनरल में कर लेते हैं, इसके बाद हम इसको लेजर में ट्रांसफर करते हैं। लेजर में क्या होता है कि ईच हेड का ना, ईच हेड हैव अ सेपरेट अकाउंट। इसके अलावा इसमें रिकॉर्ड द डाटा इन एनालिटिकल ऑर्डर। Analytical order, or we can say that manner. ठीक, अब हमने एक ट्रांजेक्शन की, उसके उसका हमने इसमें समझ नहीं आ रही हमें। ठीक है, हमने लिख दिया purchases, debit, cash, credit। जब हमने ढूंढना होगा तो हमें डिटेल में देखना पड़ेगा purchases कहाँ कहाँ आ रही हैं, cash कहाँ कहाँ है, फिर हम उसको इकट्ठा करेंगे। ठीक है, वो chronological order है। इसमें जो ledger है, इसमें हम separate account बनाते हैं। उस account में मतलब purchases का हम separate head of account बनाएंगे, उसमें सिर्फ परचेजेस की ही डेबिट और क्रेडिट आएंगी। ठीक, उसके बाद हम कैश का बनाएंगे, उसमें कैश की डेबिट और क्रेडिट आएंगी। फॉर एग्जांपल कैसे, इसका भी फॉर्मेट है डेट, पर्टिकुलर्स, लास्ट फॉलोअर, डेबिट, क्रेडिट। इसकी दो साइट होती हैं, ये डेबिट साइट है और ये क्रेडिट साइड है। इसमें भी ऐसे होगा, क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर्स, लास्ट फॉलो, डेबिट, क्रेडिट। अब हमने वो ट्रांजैक्शन की थी परचेज गुड्स फॉर 20,000। अब हमने ये वाला जो हमने बनाया ना, ये हमने परचेजेस का बना लिया। फॉर एग्जाम्पल परचेजेस क्या हुई, डेबिट हुई हमारे पास, ये हमने यहाँ लिखा परचेजेस डेबिट हुई कितने की, 20,000 की। अब इसी क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं है, वो नील है, तो हम इसका बैलेंस, इसका बैलेंस डिफरेंट होता है कि यहाँ हम लिखेंगे 20 और जिस साइड पे कम होता है ना उधर हम ट्रांसफर कर लेंगे। यहाँ 20,000, यहाँ 20,000, इस साइड पे लिखा, तो हमने इसका बैलेंस इधर ट्रांसफर कर दिया और इसको हम लिखते हैं बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड। ठीक है, अगर इस साइड का बैलेंस ज्यादा होता हम इधर लिखते तो हम लिखते हैं बैलेंस डेबिट फॉरवर्ड। जनरल जनरल में ये रूल होता है अप्लाई। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ डेबिट और क्रेडिट के बेसिक रूल्स, बेसिक रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, बेसिक रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। हमें कैसे पता चलेगा किस चीज को हमने डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है एसेट्स। एसेट्स हो गए, यहाँ हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल इंक्रीज
सेकंड इज डिक्रीज एसेट्स हो गए, उसके बाद एक्सपेंसेस लायबिलिटीज कैपिटल एंड रेवेन्यू। ये टोटल चीजें हैं जो हम अकाउंटिंग में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एसेट्स जब भी इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। एसेट फॉर एग्जांपल वी परचेज फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर एसेट है, फर्नीचर हमारे पास आया, हमने एसेट परचेज किया, हमने इसे डेबिट कर दिया। जब वी सेल कार, हमने कोई गाड़ी सेल कर दी, एसेट चला गया हमारे पास, उसे हम करेंगे क्रेडिट। एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट, डिक्रीज हो तो क्रेडिट। इसी तरह एक्सपेंस है हमारे पास, एक्सपेंस इंक्रीज हो तो डेबिट है, डिक्रीज हो तो क्रेडिट है, ठीक है। उसके बाद है लायबिलिटी, ये होते हैं हमारे लोन होते हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो हमने पे करनी होती हैं या कंपनी ने पे करनी होती हैं, ये हमारे ऊपर कर्ज होता है, ठीक है। लायबिलिटीज जब भी बढ़ेंगी तो वो क्रेडिट होंगी, क्रेडिट क्यों, क्योंकि हमने ये पे करनी है, और जब कम होंगी तो डेबिट होंगी। लायबिलिटीज कम हो गई, हमने पे कर दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गई। कैपिटल भी ऐसे ही है, जब भी आएगा ये ओनर की इन्वेस्टमेंट होती है बिजनेस पे, जो ओनर अपनी पर्सनल अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसे हम कहते हैं कैपिटल, ठीक है। ओनर ने कैपिटल दिया, वो बिजनेस के लिए क्या है, उधार है, ठीक। बिजनेस, मैंने आपको लास्ट उसमें बताया था, बिजनेस एंड ओनर टू डिफरेंट थिंग्स, बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। सो जो भी ओनर ने इन्वेस्ट किया है उसे हम करेंगे क्रेडिट, और जब ओनर इक्विटी कम होगी तो वो होगी डेबिट। ओनर इक्विटी या आप कैपिटल कह दें। इसी तरह रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू जब इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं, जब डिक्रीज होते हैं तो डेबिट, ठीक। ये रूल है, एसेट इंक्रीज हुए डेबिट, डिक्रीज हुए क्रेडिट, एक्सपेंस इंक्रीज हुए डेबिट, डिक्रीज हुए क्रेडिट, लायबिलिटीज इंक्रीज हों तो क्रेडिट, ये अपोजिट है एसेट का, और जब डिक्रीज हों तो डेबिट। कैपिटल इंक्रीज हो तो क्रेडिट, डिक्रीज हो तो डेबिट, रेवेन्यू इंक्रीज हों तो क्रेडिट, डिक्रीज हों तो डेबिट। ये बेसिक रूल हैं अकाउंटिंग के, डेबिट और क्रेडिट के, कि हमने कैसे ट्रांजेक्शन करनी है, कौन सी चीज़ हमने डेबिट करनी है, कैसे करनी है, कोई रूल भी तो होंगे, तो ये रूल हैं, इनकी बेसिस पे हमने अकाउंटिंग में ट्रांजेक्शन को डेबिट और क्रेडिट करनी है। इसके बाद हम टाइप देख लेते हैं एसेट की। एसेट की मेजर जो डिस्कस की जाती है ना, दो ही टाइप है, एक होते हैं करंट और दूसरे होते हैं फिक्स्ड। करंट एसेट वो होते हैं विच आर रिलायबल इन वन ईयर, ठीक है। फॉर एग्जांपल अकाउंट रिसीवेबल हो गया, कैश हो गया, प्राइस बॉन्ड हो गए, ये जो सिर्फ वन ईयर में हम यूज़ कर लेते हैं, सिर्फ विद इन वन ईयर हम इसको यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। इन्वेंट्री हो गई तो ये होते हैं करंट एसेट। फिक्स एसेट वो होते हैं जो मोर देन वन ईयर हमें बेनिफिट दें, मोर देन वन ईयर बेनिफिट, लाइक फर्नीचर हो गया, इक्विपमेंट हो गए, और भी बहुत सी चीज़ें, ठीक है। ये हो गया फिक्स एसेट, विच गिव बेनिफिट टू द कंपनी और बिजनेस मोर देन वन ईयर इज कॉल्ड फिक्स एसेट। इसी तरह लायबिलिटीज हैं, करंट लॉन्ग टर्म, करंट लायबिलिटीज क्या हैं, विच वी हैव टू पे विद इन वन ईयर, जो हमने एक साल के अंदर अंदर पे करनी होती हैं, वो है करंट लायबिलिटीज।
इसके बाद है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज व्हिच वी हैव टू पे आफ्टर 1 ईयर आफ्टर 5 ईयर आफ्टर 3 ईयर दिस इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ट्रायल बैलेंस, जनरल हो गया। इसके बाद आता है लेजर आता है, ठीक। इसके बाद आता है ट्रायल बैलेंस। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। 1, 2, 3 पे हम ये करते हैं। अब ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, ट्रायल बैलेंस में जो लेजर में अकाउंट हमने बनाए होते हैं उनकी इक्वलिटी चेक की जाती है बैलेंस की, आइदर वी एंटर्ड इन सीक्वेंस मैनर और नॉट, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक की जाती है। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक की जाती है कि ये बैलेंस है या नहीं, कोई ट्रांजैक्शन हम भूल तो नहीं गए। इसमें क्या होता है कि उसकी इनकम और एक्सपेंसेस इन डिटेल बिजनेस के किए जाते हैं हेड्स ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग, और फिर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजिशन चेक की जाती है। इसके अलावा ट्रायल बैलेंस से बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेक की जाती है और हेल्प मिलती है कंपनीज को, इन्वेस्टर्स को बिजनेस की पोजीशन चेक करने में, और ये गाइडलाइंस देता है कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो ट्रायल बैलेंस में हम यही चेक करते हैं, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, स्टेटमेंट बैलेंस, इनकम एंड एक्सपेंसेस। ट्रायल बैलेंस के बाद आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये एक लास्ट स्टेप है अकाउंटिंग के प्रोसेस में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ जाती हैं फाइनेंशियल बैलेंस शीट हो गई, फाइनल अकाउंट्स, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हम सारा इन डिटेल नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। टुडे माय लेक्चर इज एंड, होप यू आर एंजॉय इट और अंडरस्टैंड इट। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज क्लियर इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।